Hello everyone, so welcome back to my channel that is React Like Diva and welcome back to another reaction video. लेकिन आज का रिएक्शन वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि आज मेरे साथ कोई और भी है जो आज का रिएक्शन वीडियो परफॉर्म करेंगे. तो फिर मेरा एक फ्रेंड ही है जो कि मुझे कहा कि मेरे चैनल पे इतना व्यूज क्यों कम क्यों आ रहा है, तो फिर वो आए हैं मेरे साथ आज रिएक्शन वीडियो परफॉर्म करने के लिए मेरे साथ. तो फिर मैं उनको इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ. लेकिन आज का रिएक्शन वीडियो किस चीज़ के ऊपर होने वाला है पहले वो मैं बता देती हूँ. वो है करीमिनती, जो कि कल ही उन्होंने वीडियो पोस्ट किए हैं करीमिनती वालों ने. तो उनका वीडियो बहुत ही अच्छा होता है, रोस्टेड बहुत ही अच्छा होता है. तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले, रिएक्शन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं मेरे फ्रेंड को बुला लेती हूँ. तो फिर आ जाओ. तो मेरा एक फ्रेंड है शंकोदीप दे. हाय. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू गुड़गांव. ठीक है, इतना दिन बाद तू आया है गुड़गांव. इतना जो मैंने तेरे को बोला कि हाँ तू आ, अरे यार कैमरा में फिट ही नहीं हो रहा, कैमरा को बड़ा कर, इतना सब्सक्राइबर लेके क्या करता है तू. हाय गाइस, वेल माय नेम इज शंकुदीप एंड ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू रिएक्ट ऑन अ वीडियो ऑन करीमिनती एंड बस बस हो गया. बहुत ही इंट्रोडक्शन, बहुत ही खराब इंट्रोडक्शन. तो बस भाई फर्स्ट टाइम है, ठीक है, प्लीज एक्सक्यूज मी एंड एक्सक्यूज अस. हाँ, एक्चुअली कैमरा में फिट नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि बहुत ही मतलब इतना बड़ा शकल लेके बैठेगा तो कैमरा में जिंदगी में फिट नहीं होगा, शकल छोटा होना चाहिए. मेरा ठीक है, देख कितना हैंडसम बन गया हूं. तो रियली ओके, सो आज का रिएक्शन वीडियो इनके साथ होने वाला है. तो फिर आप लोग प्लीज एंड तक देखना. ओके, सो यही था इंट्रोडक्शन. अभी देख लेते हैं कि वीडियो में क्या होता है. करीमिनती वालों ने बहुत ही अच्छा वीडियो एक पोस्ट किए हैं, रोस्टेड बहुत ही अच्छा है, बिग बॉस को लेके होने वाला है. तो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो. तो स्टार्ट करते हैं रिएक्शन वीडियो. तो कैसे हैं आप लोग? कैसे आप लोग, ये बहुत अच्छा बोलता है बिग बॉस. ये गधों की सुअर दौड़ते हैं और इस रेस का संचालक है बिग बॉस सलमान भाई. सलमान भाई हमेशा की तरह इस बार भी कुछ नादान परिंदों को पकड़ लिया गया है और उन्हें बोल दिया लो. हाँ, तो अगर होता होगा तो अच्छी बात है, नहीं होता होगा रियल तो मुझे नहीं लगता को जाना चाहिए. अगर ऐसा है, अगर सलमान पढ़ के बोले, एक साथ 40 लोग बोल रहे हैं, इसे लड़ना नहीं ध्वनि प्रदूषण कहते हैं. जो लोग बिग बॉस को फॉलो करते हैं ना, मुझे नहीं पता तुम धरती के कौन से तत्व से बने हो, लेकिन एक बात पक्की है, तुम साले अकेले ही मरोगे. खैर, अपने बालों के साथ खेलना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के. हमारे पहले प्रतियोगी हैं ये आशिकु में दिल का, मुझे जीना मत सिखा, मुंह में ले लंड मुझे छोड़ना मत सिखा, मेरा दिल तोड़ना मत सिखा, मुंह में ले लंड मुझे छोड़ना मत. चलो भाई, तेरे लिए मैंने मेरा घर तार. अबू मल्लिक, अनु मल्लिक है ना. ओ अच्छा, अनु मल्लिक को अबू मल्लिक. अबू मल्लिक इनका नाम है अबू मल्लिक. अबू मलिक गेस करो ये किसके भाई हैं? अनु मलिक. अपने भाई की तरह इनका भी पैशन है संगीत की गाड़ मारना. सॉलिड बॉडी डिजाइन है तू नंबर वन लड़का, चेहरे पे कैसी शाइन. फीफी मतलब फिजिक. कतई किस्मत का खारे बहन चोद, क्योंकि इन दोनों भाइयों को संगीत बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं इन्हें मीवी के कॉलर इयरफोन्स देना चाहूंगा. एडवर्टाइज सही में ये लोग का जो है ना, मेनली कमाई इस एडवर्टाइज से हुई है. तुप तुप करके कहना बेस भी आता है. ये इतने हल्के, तुम इसे लिटरली पूरा दिन टांग सकते हो. कभी कभार तो तुम भूल भी जाओगे कि पैन भी रखे थे. और अगर इन्हें तुम्हें छुपाना हो तो भैया कॉलर में छुपा लो, नहीं तभी तो ना कॉलर है ना. अब अगर बीवी बच्चों से भी बात करनी है तो आवाज का बढ़िया आदान प्रदान है. अब आपको क्या लगता है ये कब तक के रहेंगे घर में? ये तो कुछ कह नहीं सकता, मगर आई कैन टेल यू वन थिंग, मैं लास्ट बार निकलूंगा. आई ये कॉन्फिडेंस, कुछ घंटा नहीं उखाड़ा इसने बिग बॉस में, 2 हफ्ते में बाहर हो लिया. और बहाने तो सुनो भाई साहब के. I did not connect with the girls because there was nothing so exciting about any of them. अरे तुम उसका ही तो भाई है ना? ठीक है, इसलिए अबू मलिक अनु मलिक. तो चलो, बच्चन साहब भी तो कर रहे हैं ना करोड़पति. ऐसे कल को तो तुम स्प्लिट्स विला में चले जाओ, हमें क्वीन बनना, हमें क्वीन बनना. कौन बना रहा तुम्हें क्वीन? अब चलते हैं प्रतियोगी नंबर 2 पे.
Mahira the special child. ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई मुझे मुड़के ना देखे और वैसे भी कहाँ ग्लैमरस लग रहा है होट देखो मैं पैसों के होट देखो बल्कि अपने पैशन के लिए एक और लड़की जिसको लगता है वो गमला है गमला वो होट नहीं है गमला है मेरे कौन है जिसने मुझे सर्जरी है अरे जो भी सर्जरी करो तो सर्जरी ऐसा करो कि ठीक ठाक लगे और इसका पैशन पता क्या है ये भी वही बोल रही है वो कौन सी चीज है जो आपको बिग बॉस के घर की ओर खींच लाई है फेम तो मिल जाता है फेम तो मिल जाता है बेटे कौन है तू टिकटॉक में 3 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स अच्छा हाँ फेम तो मिल ही जाता है कोई कदर ही नहीं है ना फिर ये कहते कि हमने स्ट्रगल किया करण जौहर लौड़ा लस्सन पैसे तो बहुत है मेरे पास क्योंकि मैं रईस हूँ दिल से भी और वैसे भी अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है बता भी किसे रही है सलमान भाई के सामने बोल रहे हैं मेरे पास पैसा वो सामने खड़ा इंसान तुम्हारी 4 पुश्तें खरीद लेगा वैसे भी तू फोन पे टिकटॉक बना रही होगी भाई चुपके से आएंगे और अरे बाबा भाई सलाम अलैकुम सुना है कि आपने गुस्से में कुछ चीजें तोड़ी फोड़ी भी हैं हाँ आप भी जानते हैं कि जब गुस्सा आता है तो उस पे काबू तो रहता नहीं है मेरे गुस्से पे तो फुल काबू शॉक हो गया अभी मेरे को याद है ना उसके साथ क्या हुआ था अच्छा लेकर भाई मेरा योडा ले गए क्या कर रही है लड़की पागल इंसान नहीं इंसेन है कोर्ट ने गलत फैसला सुना दिया अब चलते हैं प्रतियोगी नंबर 3 पे बी बॉय पारस क्योंकि इस देश का हर पारस बी बॉय करता है अरे कैरीमिनाटी के ऊपर रिएक्ट कर रहा है निर्मा के ऊपर नहीं वैसे यार ये तो काफी हैंडसम नहीं देखो यार इन चीजों पे मजाक उड़ाना गलत बात है ऐसे तुम किसी के सर से छत नहीं खींच सकते गंजा 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 खैर ये छोड़ो भाई की बातें सुनो मेरे सुनने में आया था कि एक एक पप्पी से 800 कैलोरीज बर्न होती है ओ चाचा चौधरी के चौधरी एक झापड़ में कितनी कैलोरीज बर्न होती है कम से कम 8000 खा के देख ले क्या पता बाल भी आ जाए ओके ठीक है ये लास्ट था बस वैसे इस साल ना गजब हो गया सारे परिंदे एक दूसरे के प्यार में हैं बी बॉय पारस की GF बनी है माहिरा द स्पेशल चाइल्ड लेकिन घर किसका है बिग बॉस का तो लड़ो बहन तेरे से पहली बार होगा तेरा पहली बार मुझे लेना देना नहीं है मैं भी कैमरे पे हूँ और भी लोग मुझे देख रहे हैं मैं तेरा लूंगा मैं तेरा लूंगा क्या कहना सही है मेरे मुंह मत लग तूने बात बोल दी ना शो के बाद क्या तुम उससे बात नहीं करेगी मैं तो अभी से बात नहीं करूंगा ओहो रिश्ते में दरार अच्छी लंड मेरा जब दूसरों से नहीं लड़ रहे होते तो एक दूसरे से लड़ते हैं और फिर पारस भाई साहब एक जादू की झप्पी देते हैं फिर सब ठीक हो जाता है हैप्पी एंडिंग तू करता वही है जो तुझे करना होता है ठीक है ओके मैं 2 मिनट किसी के साथ जादू की झप्पी जब बी बॉय पारस अपनी GF से नहीं लड़ रहे होते वह एक और परिंदे से लड़ते हैं ये लौंडा घर से जब देखो नंगा पुंगा घूमता रहे दोपहर 3:45 रात 10:30 इसने अपने आंट छोड़ के बाकी सब दिखा रखा है नहीं मुझे समझ में आती है तुम सेक्सी कूल डूड बनना चाह रहे हो लेकिन लल्ला तुम लड़कियों से ज्यादा 50 साल के बुढ़े एक्साइट कर रहे हो तुम क्या हंस रहे हो टिकटॉक तुम्हारा भी यही सीन है अब पता नहीं स्कूल डूड के कौन से तारे टकरा गए श्री जॉन फिलिक्स एंथनी सीना जूनियर यू कांट सी मी जॉन सीना का है ना डब्ल्यूडब्ल्यूई में क्या डाला अनहोनी तो होनी कर दे होनी ये मैं पहली बार देख रही हूं जॉन सीना बिग बॉस देखता है कल्लू कुमार की उना कोटी में ये क्या डेवलपमेंट है ऐसा तो जॉनी सिंस मेरी भी देखता हूँ 65 साल का होकर लौंडियों को मॉन्स्टर है ये नचवा रहा है और यहाँ देखो पूरी पूरी दाढ़ी आ गई है तब भी मैदान
दूर दूर तक साफ है। मजा एक एक चीज समझ में आ रहा था। खैर अब चलते हैं बी बॉय पारस और स्कूल डूड की लड़ाई पे। ये चार दिन में और मैंने तेरे को दूध के डब्बे दिए हैं, तू डोंट गिव मी दिस मुझे नहीं दी तेरे बाप के डब्बे नहीं दिए सब टीआर की सर पूरा टीआर दिन में सूरज निकला नहीं रात में चांद आया नहीं कुथाई करवा लो। जो लोग बिग बॉस देखते तुम्हें पता तुम लोग क्या करते हो, ये परिंदे लड़ते हैं और फिर उस लड़ाई को डिस्कस करते हैं और फिर तुम उनकी लड़ाई और डिस्कशन दोनों को देखते हो और मतलब दोबारा डिस्कस करते हो झगड़ा। मैं ना एक बाल्टी डूबेंगे और जो परिंदे बिग बॉस के पहले सीजन में रह चुके पता नहीं वो अपने विचार क्यों देते रहते हैं। तुम्हारा हो लिया ना, रुक जाओ यार अब। नहीं आप ये सब डर उसको मत दीजिए और पराग मेरे भाई भोजपुरी पिक्चर कोई साइन कर ले। सही बोला क्या कर रहा था तू यार चिल मैन। श्री एजाज खान ये बात अपने अतीत को कह रहे हैं। यहाँ से लौड़ा फेंक के मारूंगा ना। क्या कर रहा था तू यार चिल मैन। अब जब ये भी तो वही था बिग बॉस में ही था पहले। शांत होता है तब हमारे कूल डूड एक और परिंदे से लड़ते हैं। सिद्धार्थ शुक्ला ये अच्छा है, ये बंदा काफी अच्छा है। ये है सिद्धार्थ शुक्ला और शुक्ला जी ये व्यक्ति हिला हुआ है, इसका मुझे कुछ समझ नहीं आया। पहले के एपिसोड में मुझे लगा कि एक साधारण गंजेड़ी है। गंजेड़ी मतलब मालूम नहीं था गांजा गांजा जो पीता है उसको गंजेड़ी बोलते हैं। खाना बन जाता है नहीं भाई ने फिर जो तब सभी अच्छे ही है पहली बार देख रहा हूँ एक सांड कुत्ते जैसा व्यवहार कर रहा है। शुक्ला गलत शो पे आ गए हो, रोडीज का सेट एक गली छोड़ के है, देखना छोटा सा गेट होगा उस पे दो बड़े बड़े पट्टे बने होंगे वहाँ चले जाओ। हैरान इंसान को किसने खुला छोड़ रखा है। खैर एक इंसान है जिसकी तरफ शुक्ला जी थोड़ा नरम है, ये है कुड़ी पंजाब, पंजाब दी कुड़ी बुलबुल बुले शहनाज़। इसकी बिग बॉस की जर्नी कुछ ऐसी रही है। क्या ये है शुक्ला जी की जी एफ मतलब है भी नहीं भी है। एज अ फ्रेंड वाला रिलेशन भी नहीं है मेरा तेरे साथ। ओके एज अ बॉयफ्रेंड वाला रिलेशन भी नहीं है पता नहीं कुछ है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, तुम्हें बीमारी है वो भी छुआ छूत की। क्या कर रहा है ओपनली भगवान तेरी कहाँ मार दिया रे भाई मारो भी ऐसे जगह पे चल रहे ना चुम्मा चाटी चल रही है कडलिंग चल रही है और फिर रात को चादर के नीचे हाथ पकड़ना। लेकिन घर किसका बिग बॉस का तो लड़ो बहन जस्ट गेट द आउट ऑफ माय लाइफ मैन जस्ट गेट आउट दैट मैं नॉर्मली बात कर मेरे को नहीं करनी है तुमसे अच्छा रोस्ट किया एक मिनट रुक मेरे को बात नहीं करनी है क्यों क्यों क्योंकि गंद हो तुम। फिर से दिल में दरार इनका भी वही सीन है उसी रात को सब मतलब कैमरा में चल रहा है। अब चलते हैं द बिगेस्ट एंड द बॉगेस्ट फाइट पर शुक्ला जी वर्सेस कूल डूड। पहले ये दोनों ही शांत बैठते थे लेकिन फिर घर किसका बिग बॉस का तो कैंसर की तरह इनकी लड़ाई की भी चार पचास कैंसर की तरह पचास मेरे को धक्का मत मार ये जन्म सिद्ध चुकी संतरों पे लड़ रहे हैं और बाकी को देखा कसम भागते हुए गए। तुम्हें क्या लगा इन्हें लड़ाई रुकवानी है ना 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 इन्हें देखा कि दो गोटे अकेले फुटेज खा रहे हैं। अब चलते हैं दूसरी कबड्डी कबड्डी से खेल दो कॉन्डम एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। नसीब में फटा नहीं अरे फटा ना तीसरी स्टेज खतरनाक है क्योंकि ये जात पात और बात सब पे चले जाते हैं। तूने क्या कर लिया लाइफ में सॉरी तूने क्या कर लिया लाइफ में क्या किया लाइफ में
एकदम सर पे सर लगा के झगड़ा हो रहा है। अरे कुछ नहीं, ऐसे फुटेज के लिए देख नहीं रहा कैमरा उसको ये फोकस किया। इतनी मरवा के चुप तो बैठेंगे नहीं, वो सीधे चौथी स्टेज पे चले गए। हाथ मत लगा, हाथ मत लगा, हाथ मत लगा। डिड यू कॉल हु? डिड यू कॉल हु? डिड यू कॉल हु? डिड यू कॉल सिद्धार्थ और आसिफ? हाथा पाई की नौबत नहीं आई। मेरा माता नहीं गया, जो माता मेरे पापे नहीं गया, जो माता मेरे पापे नहीं गया, जो माता। अब मुझसे बहुत लोग पूछ रहे थे कैरी तू किसको सपोर्ट कर रहे बिग बॉस में। देखो तुम्हारा सवाल गलत है, तुम्हारा सवाल होना चाहिए कैरी क्या तुझे इससे फर्क पड़ता है? नहीं क्योंकि इन्हें लगता है वोटिंग इस चीज की हो रही है कि सबसे बढ़िया कौन है, लेकिन असल में वोटिंग इस चीज के लिए हो रही है चूतिया कौन है। क्योंकि बिग बॉस में तुम्हें सबसे ज्यादा फुटेज खाने के लिए चूतिया हरकतें ही करनी पड़ेंगी। अबे मैं तो कहता हूँ डरो, बिग बॉस जीतने से डरो। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो। यार देखो मारना ही पड़ेगा, सलमान भाई ने बोला है जब तक 2 मिलियन लाइक्स नहीं हो जाते तब तक वो मेरा योटा वापस नहीं करेंगे, तो मारना ही पड़ेगा यार। और गाइस मीवी की लव सेल चल रही है, तो तुम्हें ये कॉलर ईयरफोन 1299 के मिल जाएंगे। अरे बाकी प्रोडक्ट चल रही है तो फटाफट mivi.in पे जाओ और अपनी रातें रंगीन बनाओ। हमारे 10 मिलियन भी होने वाले हैं, तो वो जो लाल वाला बटन उससे झटका दो या धक्का, मुझे नहीं। तो हो गया वीडियो खत्म। हां क्या वीडियो खोल दो। तो अभी हम लोगों का थोड़ा रिव्यू का टाइम है। तो ऑब्वियसली बिग बॉस को लेके उन्होंने अच्छा रोस्ट किए हैं, तो सही रोस्ट करता है एकदम परफेक्ट परफेक्ट। लेकिन इसका पार्ट टू है, आई थिंक पार्ट वन पहले कई बार हो चुका होगा, मैंने मिस कर दिए या फिर मेरा तब चैनल ओपन नहीं हुआ होगा, तो कुछ भी है। लेकिन पार्ट टू काफी अच्छा लगा मुझे। तो या आई थिंक बिग बॉस को लेके मतलब कौन देखता है, बहुत सारे ऑडियंस ऑब्वियसली है जो कि उन लोगों का मतलब फाइट देखते हैं। इतना भी टाइम है कि जो मतलब सेलिब्रिटीज फाइट कर रहे हैं तो फिर उन लोगों का फाइट देख रहे हैं, तो या उन लोगों का बात है। मैं उतना बिग बॉस नहीं देखती हूँ, लेकिन जो मतलब संडे को जब सलमान खान आता है तब थोड़ा बहुत एपिसोड देख लेती हूँ। मेरे मम्मी का फेवरेट है बिग बॉस, लेकिन मेरा उतना नहीं है तो मुझे उतना नहीं पता। सलमान क्यों? सलमान इज अ ग्रेट एक्टर। कौन बोला है? व्हाट इज योर फेवरेट एक्टर? सॉरी, हु इज योर फेवरेट एक्टर? कौन है फेवरेट एक्टर? इंडिया में एक्टिंग कोई करता है? नो, तो फिर तो क्या करते हैं? बस बिग बॉस। ओ, सब बिग बॉस करता है। सब देखना, इधर उधर से फेल होके आ जाएगा बिग बॉस। या फेम, बस फेम अपना कमाने के लिए, और कोई काम नहीं है सच्ची में। वैसे आशीष चांचलानी को भी मिला था ना बिग बॉस में चांस। आशीष आशीष है। हाँ, वो नहीं, आशीष का उतना टाइम नहीं है बिग बॉस में जाके ये सब काम करने का, वो उसका वो उतना टाइम भी नहीं है। करोड़ रुपए उसका ऐसे इनकम कर लेता है यूट्यूब से। उसको क्या इफेक्ट दरकार है, 8-10 लाख के लिए जाएगा बेकार दौड़ेगा वो। ये भी सही है। ओके, सो यही था इस वीडियो का फुल रिव्यू। और बीच में कुछ बोलना है कि कौन से मतलब पार्ट तुम्हें अच्छा लगा? मेरे को कोई भी पार्ट अच्छा नहीं लगा। बिग बॉस ही अच्छा नहीं लगता है तो कौन सा पार्ट अच्छा लगे? रोस्टिंग की बात करें, रोस्टिंग सही करता है बंदा। मैं तो स्टार्टिंग में ही बोला हूँ कैरिमिनाति सही में रोस्टिंग अच्छा करता है। But yes, if you want to see the real roasting of anything, give this video to Ashish Chanchalani. और उसका roasting देखना, he will take it to another level. Yes, I am a very big fan of Ashish Chanchalani, so obviously I am doing promotions. वो और YouTuber है, compare नहीं कर सकते। नहीं, compare नहीं कर सकते, but yes, the roasting was good. The cool guy and the वो वाला जो था ना fight जो था जो दिखाया वो अच्छा था। और कैमरा में वो ओपनली जो होता है बिग बॉस में, अरे ना वो तो ये टीआरपी के लिए, बेकार टीआरपी के लिए ही होता है ऑब्वियसली। कहाँ पे कैमरा है ना है वो लोग को सबको मालूम है, सबको मालूम है सेलिब्रिटी है वो लोग, इसमें लीक हो जाएगा वीडियो नहीं तो लोग इधर उधर का वीडियो लीक हो गया बस एमएमएस बना के बस यूट्यूब में देखना कोई कोई चला लखपति बन जाएगा। हाँ ओके, सो हो गया, यही था इस वीडियो का रिव्यू। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो प्लीज अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना। और प्लीज जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बहुत लोगों ने नहीं किए सब्सक्राइब, तो फिर प्लीज कर लेना सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और हाँ, और जो क्या बोलना था, हाँ वीडियो को शेयर भी जरूर करना जिन जिनको मेरे वीडियोस पसंद आता हो। तो या तो भी चलते हैं, तो फिर टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। और इनको भी बाय कर देते हैं, टाटा बाय बाय। ठीक है, तो फिर